जय श्री कृष्ण दोस्तों कैसे हैं आप अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे अपने घरों में खुश होंगे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल पे अगर जिन बच्चों के विवाह में अड़चने बाधाएं रुकावटें बहुत ज्यादा आ रही हैं रिश्ते की बात बनते बनते टूट जाती है संजोग नहीं बन पा रहे बहुत ज्यादा अधिक परेशान हो चुके हैं तो आप इस मार्च इस माह में जरूर एक अचूक सा उपाय करके देखें यकीन मानिए आपके जीवन की जो भी विवाह संबंधी अड़चने बाधाएं रुकावटें आ रही है वो अवश्य दूर होंगी आप जानते हैं कि मार्ग मास के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु है। हैं। आप सभी को पता है कि इस माह में भगवान श्री कृष्ण की भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और आराधना करने का बहुत अधिक महत्व है आप सबको मैं बता दूं, आप सबको ये जानकारी भी होगी अगर नहीं है तो आप सब जान लीजिए कि जो मार्ग माह में हमारे सनातन धर्म के अनुसार दो बहुत बड़े विवाह हुए थे कृष्ण पक्ष की द्वितीय को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था और कृष्ण पक्ष की पंचमी को भगवान श्री राम का सीता मैया के साथ विवाह हुआ था तो आपने इस कृष्ण पक्ष की पंचमी को एक अचूक सा उपाय करना है आपके विवाह संबंधी जो भी अर्चने बाधें रुकावटें आ रही है वो अवश्य दूर करेंगे भगवान श्री हरि विष्णु तो जिस प्रकार से मैं आपको बता रही हूं उसी प्रकार से आपने पूजा आराधना करनी आप सभी जानते हैं कि इस माह में शादी विवाह बहुत ज्यादा अधिक होने लगते हैं जैसे कि देव उठनी एकादशी से सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं तो आपने इस कृष्ण पक्ष की पंचमी को ये उपाय अवश्य करना है अपने विवाह संबंधी अड़चनों को दूर करना है और अपने विवाह के योग बनाने हैं तो आपने इस दिन करना क्या है सबसे सर्वप्रथम अगर जिनके भी बच्चों के विवाह में विलंब अड़चने बाधे रुकावटें आ रही हैं तो उन्हें करना क्या होता है अपने नहाने वाले जल में रोज प्रतिदिन अगर संभव हो सके तो एक चुटकी हल्दी अवश्य डालें और फिर स्नान करें और डेली नहीं कर सकते तो गुरुवार के दिन तो अवश्य ही करें और जिस दिन ये आप उपाय करने जा रहे हैं कृष्ण पक्ष की पंचमी पे तो आपने इस दिन तो अवश्य ही अपने नहाने वाले जल में एक चुटकी हल्दी डाल के उससे स्नान करना है और संभव हो सके तो पीले वस्त्र धारण करें नहीं संभव है तो गुलाबी हल्के रंगों का प्रयोग करेंगे काले नीले रंग के वस्त्र नहीं धारण करेंगे अब आपने करना क्या स्नान आदि कर चुके हैं एक लोटा जल लेंगे उसमें अपने एक चुटकी हल्दी मिलानी है और भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना है अर्घ्य देने के बाद उस लोटे में जरा सी हल्दी रह जाती तो आपने उससे अपने मस्तक पर तिलक अवश्य लगाना है जिस भी प्रकार से मैं आपको बता रही हूँ इस दिन पूजा आराधना करनी आपने उसी ही प्रकार से करनी है ठीक है जिस प्रकार से मैं आपको बता रही तभी आपके जीवन की जो भी विवाह संबंधी अड़चने बाधाएं रुकावट वो अवश्य दूर होंगी अब आपने करना क्या आपके घर में अगर भगवान श्री राम की और सीता मैया की प्रतिमा फोटो विग्रह जो भी है वो ले लीजिए अगर नहीं है तो भगवान श्री हरि विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ में विग्रह या प्रतिमा है तो वो ले लीजिए नहीं है तो आप जाके बाजार से कोई भी फोटो ला सकते हैं इसलिए कि आपने उनकी साथ में जुगल जोड़ी की ही पूजा आराधना करनी है तो आपने ले ली अब आपने करना क्या है जैसे भी आप पंचामनी से स्नान आदि करा सकते हैं आप उसी प्रकार से कराइए इस माह में शंख की पूजा आराधना करने का भी बहुत अधिक विशेष है तो शंख की पूजा अवश्य कीजिए शंख में आप दूध जल मिलाकर उससे अभिषेक कर सकते हैं भगवान श्री हरि विष्णु का माता लक्ष्मी का जो भी आपके पास प्रतिमा या विक्रय है उसका अभिषेक कीजिए अभिषेक करने के बाद आप उन्हें वस्त्र आदि जो भी अर्पण करना चाहते हैं वो कीजिए उसके बाद आपने इस दिन पांच पुष्प पीले रंग के पुष्प हो वो नहीं तो लाल रंग के पुष्प वो अर्पण करने हैं भगवान को ठीक है पुष्प पांच लेने हैं आपने पांच प्रकार की संभव हो सके तो आपने फल लेने हैं जो भी मौसमी फल मिल जाए आपको वो आप ले लीजिए पांच प्रकार के अब आपको चाहिए पांच ही लड्डू पीली मिठाई चाहिए बेसन का लड्डू भी ले सकते हैं बूंदी का लड्डू भी ले सकते हैं जो भी है वो आप उस मतलब लड्डू को ले लीजिए लड्डू ले लिया आपने अब आपने करना क्या उसका आपने भोग लगाना है भोग लगाने के बाद आप ये ध्यान रखेंगे कि इसमें आपने तुलसी का पत्र अवश्य रखना है अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कर रहे हैं तो उसमें भोग में आपने तुलसी पत्र अवश्य रखना है उसके बाद आप दीपक प्रज्वलित कीजिए दीपक में आप घी तिल का तेल सरसों का तेल जो आपकी क्षमता हो उस प्रकार से आप दीपक प्रज्वलित कीजिए अब आपने करना क्या है पांच हल्दी की गांठ लेनी है जो खासतौर से अगर आप विवाह संबंधी अड़चनों को दूर करने के लिए पूजा आराधना कर रहे हैं और ये देखिए कि जिन बच्चों के विवाह में अर्चने बाधाएं आ रही है वो स्वयं करेंगे ना तो बहुत अच्छी बात है इसलिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है तो अपने जीवन की विवाह संबंधी अर्चनों को दूर करने के लिए वो स्वयं इस आराधना को करें अगर किसी कारणवश बच्चे नहीं करें तो माता पिता भी कर सकते हैं तो आपने पांच हल्दी की गांठ लेनी है देखिए बिल्कुल साबुत अच्छी साफ सुथरी लीजिएगा ये पांच हल्दी की गांठ आपने भगवान के चरणों में अर्पण करनी है और हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि आपके जो भी विवाह संबंधी अड़चने बाधे है, रुकावटें हैं उन्हें वह दूर करें और आपको चाहिए एक पीले रंग का धागा सवा मीटर आपको धागा चाहिए पीले रंग का अगर पीले रंग का धागा नहीं मिल रहा है तो आप कच्चा सूत या सफेद रंग का जैसे धागा होता है वो ले लीजिए उसको आप हल्दी में रंग ले लीजिए रंगने के बाद वो पीले रंग का हो जाएगा वैसे तो ईजिली ही पीले रंग का धागा मिल जाता है सवा मीटर आपको धागा चाहिए इस धागे में आपने पांच गांठ लगानी है अपनी विवाह संबंधी अर्चने जो भी आपके जीवन में है उसको बोलते हुए आपने पांच गांठें थोड़ी थोड़ी दूर पे लगाते जाइए और भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जपते रहिए ये भी आपने भगवान के चरणों में अर्पण कर देनी अब आपने वही बैठ के आसन जरूर लेके बैठना इस बात का आपने ध्यान रखना है अब आपने करना क्या है और आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए ठीक है अब आपने एक में मंत्र बता रही हूं इस मंत्र का जाप आपने कम से कम 108 बार अवश्य करना करिए बच्चे स्वयं अपने विवाह के लिए कर रहे हैं तो मंत्र इस प्रकार से नोट कर लीजिए मंत्र बोलने में गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ओम सृष्टि कर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा फिर से मंत्र एक बार आप नोट कर लीजिए ओम सृष्टि कर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र काम जाप आपने कम से कम 108 बार करना है इसके बाद आपका जो धागा और हल्दी की गांठ आपने भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में रखी है वो अभी मंत्रित हो जाएंगी अब आपने वो धागा उठा लेना और अपने गले में धारण कर लेना गले में पहन लीजिए और जो हल्दी की गांठ है उसे उठा के आपने करना क्या है एक पीले कपड़े में या अगर लाल रंग का कपड़ा हो सूती या रेशमी जो भी मिल जाए उसमें आपने बांध के अपनी तिजोरी में अपनी अलमारी में अपने मतलब सामान जहां आप रखते हैं आप वहां पे इसे संभाल के रख दीजिए ये चीजें आप जब तक रखे रहने दीजिए जब तक आपके विवाह के संजोग बन ना जाए आपका विश्ता पक्का ना हो जाए और आपका विवाह संपूर्ण ना हो जाए जब विवाह पूरा हो जाए आप अच्छे घर में विवाह हो जाए तो उसके बाद आपने वो हल्दी की गांठ उठा के अपने सर से सात बारी क्लॉकवाइज घुमा के किसी भी बहते हुए पानी में छोड़ देना है और उसी दिन आपने जो गले में ये धागा पहन रखा था वो धागा भी उतार के बहते पानी में छोड़ देना है ये उपाय आप करके देखिए यकीन मानिए कि भगवान श्री हरि विष्णु भगवान श्री राम माता जानकी आपके विवाह की जो भी अड़चने बाधाएं रुकावटें उसे दूर करेंगे आपके घर के सारे मांगलिक कार्य शुरू होंगे आपके विवाह में जो भी अड़चने आ रही हैं जो भी विलंब हो रहा है वो सारे दूर होंगे तो इस तरह से ये उपाय आप करके देखिए इस कृष्ण पक्ष की पंचमी पे जैसे श्री राम और जानकी मैया का विवाह हुआ उसी प्रकार आपका भी विवाह अवश्य होगा अच्छे घर में होगा अब मुझे आज्ञा दीजिए वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें जय श्री कृष्णा दोस्तों